नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है भीनमाल के नव निर्वाचित विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह जी। सर आपका स्वागत हमारे नए चैनल पर। धन्यवाद और आपको बहुत बहुत सर्कल न्यूज चैनल की बहुत बहुत बधाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा सफल रहे और लोगों की समस्याओं को, यहाँ की जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लाए, ये मेरी आपसे उम्मीद है। सर सबसे पहले हमारी टीम की ओर से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई, क्या कहोगे सर आपकी जीत हुई इस बार भीनमाल में? धन्यवाद, जनता ने बड़े लंबे समय के बाद मेरे पे भरोसा किया, मैं जनता का दिल से आभारी हूँ कि 15 वर्ष बाद मुझे फिर मौका दिया है। अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा रहूं, खरा उतरूं और मेरी कोशिश रहेगी कि जन समस्याओं को उचित माध्यम से जहां भी उठाना है उठाऊं और लोगों के काम। प्रतिनिधि का मायना ये होता है कि वो वहां के पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, तो जनता का सेवा का मौका मिला है और मैं उम्मीद करता हूं भगवान मुझे ताकत दे, विश्वास दे कि मैं जनता की जो अपेक्षाएं मेरे से रही है उन अपेक्षाओं को मैं पूरा कर सकूं। सर पिछली बार आप थोड़े अंतर से हार गए थे, इस बार आप जीते हो। पिछली बार प्रदेश में गहलोत सरकार थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने चुनाव के समय जो वादे किए थे वो अब कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार आपकी विपक्ष दल की है, तो फिर आप किस तरह से जनता से जो वादे किए उनको पूरा करने की कोशिश करोगे? मुझे उम्मीद है कि चुनाव पूरे होने के बाद सरकार जनता की होती है और एक बार सरकार बनने के बाद उसको राजस्थान के हित के काम करने चाहिए। और जहाँ तक मैंने अभी तक के देखे हैं, मोदी जी ने भी ये स्पष्ट कहा है यहाँ के जीते हुए बीजेपी के विधायकों पे कि हमें सबके काम करने हैं, तबादलों में नहीं पड़ना है, लोगों को लेके चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी वाजिब काम होंगे उसको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती और काम हम करा पाएंगे और लोगों की सेवा पूरी जोर शोर से करेंगे। पिछली गहलोत सरकार ने सांसौर को डिस्ट्रिक्ट बनाया था, फिर उसके बाद में भीनमाल के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, काफी दिन तक धरना चला। उसके बाद में रानीवाड़ा के लोगों ने भी प्रदर्शन किया कि हमें सांसौर के साथ नहीं जाना है, बागोड़ा के लोगों ने भी यही कहा, ये प्रदर्शन किया। अब प्रदेश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और गत दिनों जब भारतीय जनता पार्टी एक यात्रा लेके आई थी आपके भीनमाल के अंदर, नेता प्रतिपक्ष उस समय राजेंद्र जी राठौड़ ने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, आप क्या अपेक्षा रखते हो नई सरकार से? देखिए, पिछली सरकार ने फैसला किया था सोच समझ के किया होगा, हमारी उम्मीद थी, हमें विश्वास था कि भीनमाल को जिला बनाया जाएगा, परंतु उस समय सांचौर को बनाया और जो भी हुआ आप सबके सामने। उस समय भी हमारा प्रयास था कि भीनमाल को, बागोड़ा को जालौर जिले के अंतर्गत रखा जाए, रानीवाड़ा की भी आपकी यही मांग थी। मुझे अभी भी विश्वास है, इस सरकार, नई सरकार ने भी कहा है कि हम 19 जिलों में से पुनर्विचार करेंगे 7 जिलों में, तो हमारी भी मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है और विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं इस पे पुनर्विचार करके या तो भीनमाल को जिला बनाए या इसको एज इट इज रखे पहले जैसे, हम यही प्रयास करेंगे। बागोड़ा के जो लोग हैं वो पूर्व विधायक पूराराम चौधरी के नेतृत्व में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मिले थे, आपका क्या प्रयास रहेगा इस? मेरा भी यही प्रयास है कि या तो भीनमाल जिला बने या भीनमाल बागोड़ा और इन पूरे, भीनमाल तो वैसे भी जालौर के अंतर्गत ही है और बागोड़ा को भी वापस भीनमाल में रखा जाए। मुझे तो उम्मीद है कि जो इन्होंने एक भजनलाल जी ने स्टेटमेंट दिया या गवर्नमेंट की तरफ से एक बात सामने आई थी कि कुछ पुनर्विचार किया जाएगा, कुछ जिले जिनको उन्होंने आवश्यक नहीं समझा, तो हो सकता है कि हमारा जिला पुनः जालौर जिले में रहे, हम उम्मीद करते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस पार्टी की किस तरह की तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? कांग्रेस पार्टी पुरजोर तैयारी कर रही है, पूरा मंथन कर रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें भी हो रही है, सब नेता आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट आएगा और बीजेपी को पुरजोर टक्कर देगा। सर चर्चा इस बात की है सियासत गलियारों में कि डॉक्टर समरजीत सिंह इस बार जालौर सुरई लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मैंने किसी तरह से आवेदन नहीं किया है, टिकट के लिए कोई मैंने मांग नहीं की है, परंतु पार्टी हित में, पार्टी अगर मुझे कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, मुझे किसी भी फ्रंट पे भेजा जाए मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, परंतु मेरी तरफ से कोई आवेदन मैंने नहीं किया है, पार्टी जो आदेश देगी उसके लिए मैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जालौर सुरई लोकसभा सीट पर काबिज हो रही, चुनाव जीत रही, इस तो इसको आप रोकने के लिए इस बार किस तरह से तैयारियां करोगे? नहीं, हम सब जने मिलकर, अब की आप देखिए कि सरकार चाहे बीजेपी की बनी हो
पर जालौर सिरोही में पिछली बार एक एमएलए जीता था कांग्रेस का, इस बार 3 एमएलए कांग्रेस के जीते हुए और 2-1 सीटें जैसे सांचौर है 4,000 के मार्जिन से आ रही है। तो हम लोग काफी अच्छी फाइट में है, अगर हम लोग मिलजुल के सब प्रयास करें तो कोई कारण नहीं है कि जालौर सिरोही की सीट को कांग्रेस के अंदर ला के हम दे सकते। सर प्रदेश के अंदर जरा जो आपकी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा कहते थे कि हम रिपीट करेंगे, क्या सर वजह रही कि सरकार रिपीट नहीं हो पाई? देखिए मेहनत की, काफी अच्छी 70 सीटें लेके आए और हो सकता है हमने जो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो चिरंजीव योजनाएं दी या जिस तरह की योजनाएं दी है महंगे राज शिविरों के जरिए, तो काम में कोई प्रयास में कोई कमी नहीं रही। जनता का मन है, जनता ने मतदान किया, उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, पर पूरी उम्मीद और विश्वास था हमें कि जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं तो सरकार रिपीट होगी, नहीं हो पाई, जनता का आदेश सराखों में। सर गत दिनों जो प्रदेश की वित्त मंत्री है दिया कुमारी, तो दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया गत दिनों, अंतरिम बजट, बजट को लेकर आप क्या कहोगे, कैसा बजट था इस बार? ये तो वोट ऑन अकाउंट था, 4 महीने के लिए जो लोकसभा चुनाव से पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाती है अगर 31 मार्च के बाद में किस तरह से सरकार को पैसा चलाना है, उस तरह का था। इसको मैं पूरा बजट मानता भी नहीं हूँ और बातें इस तरह की गई जैसे कि पूरे भाषण में मोदी जी के अलावा कोई बात ही नहीं की, स्टेट का बजट था या मोदी जी की तारीफों का गुणगान था इस भाषण में। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार को उम्मीदें थी जनता को जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों पे कमी की उम्मीद थी, इसी तरह से किसानों के जो अभी फसलें खराब हुई है उसके ऊपर कोई बात कही जाती, तो ये सारी चीजों के उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो ये तो एक खाली बातें की गई है उन बातों का। इस बजट तो आएगा इनका एक्चुअल में जून में लोकसभा चुनाव के बाद में, उस समय हम कमेंट करेंगे, अभी कोई कमेंट करने लायक कुछ था भी नहीं। तो ये थे डॉक्टर समरजीत सिंह जी जो भीनमाल के विधायक हैं, इस बार वो वापस तीसरी बार यहाँ से विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। हमारी जो सवाल थे हमारी टीम के, उन्होंने बेबाक तरीके से जवाब दिया। भवर सिंह के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज़, एक सपोर्ट।